Realme 12 Pro 5G जो कि कर्व डिस्प्ले वाला फोन है। तो मैं इस फोन को अनबॉक्सिंग करेंगे, साथ ही साथ इस फोन की हाईलाइट फीचर भी आपको बताऊंगा, और हम इस फोन को फाइनेंस कराने वाले हैं। फाइनेंस में ऑफलाइन में आपको कितना चार्जेस पेमेंट करना पड़ता है, और साथ ही साथ ऑनलाइन में कितना चार्जेस आपको पेमेंट करना पड़ता है, ऑनलाइन और ऑफलाइन के मुकाबले में कौन सा बेस्ट ऑप्शन है आपके लिए, तो मैं इन सारे चीजों को यहां पर आपके साथ डिस्कस करेंगे इंशाल्लाह। तो सबसे पहले हम इस फोन की अनबॉक्सिंग वीडियो देख लेते हैं, उसके बाद स्टेप बाय स्टेप डिस्कस करते जाएंगे इंशाल्लाह ताला। तो चलिए सबसे पहले हम इसके अनबॉक्सिंग देख लेते हैं। ये कर्व डिस्प्ले वाला फोन है, हमने यहाँ पर ब्लू वाला वेरिएंट को बाय किया है जो कि 8GB 256GB वाला वेरिएंट है, जिनकी प्राइस है 27,000 रुपये। अगर मैं बात करूँ 12GB 256GB उनकी भी प्राइस 27,000 रुपये ही है, बट ऑफलाइन मार्केट में आपको यहाँ पर 8GB 256GB ही मिलेगा, 12GB 256GB आपको ऑनलाइन ही अवेलेबल है, बाकी कैसे आपको देखने को शायद ही मिले। बाकी हम फोन के डिजाइन एंड लुक की बात करें तो काफी अच्छी है, जो कि कर्व डिस्प्ले वाला फोन है तो आपको यहाँ पर जो कि कर्व डिजाइन देखने को मिलेंगे। साथ ही साथ वही रियलमी का जो पुराना अभी नया स्टाइल आई है वो है राउंड शेप वाला कैमरा मॉड्यूल, जैसे आप पीछे वाला देख सकते हो राउंड मॉडल में कैमरा मॉड्यूल है। बाकी यहाँ पर आपको 3.5mm जैक नहीं मिलता, टाइप सी पोर्ट है, यहाँ पर डबल स्पीकर है, साथ ही साथ यहाँ पर आपको जो चार्जर या फिर केबल्स और यूजर मैनुअल सिम एडाप्टर टूल्स ये सारी चीजें आपको बॉक्स के साथ मिल जाती है। तो चलिए बात करते हैं इस फोन की प्राइस एंड हाईलाइट फीचर पर। प्राइस जो कि 27,000 रुपये मैंने आपको बताया है, 26,999 रुपीज ऑनलाइन में है, और 2,000 रुपये इंस्टेंट डिस्काउंट है अगर आप स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ICICI एक्सिस बैंक के कार्ड से आप पेमेंट करते हो तभी। तो मैं यहाँ पर फाइनेंस कराने जा रहा हूँ, क्योंकि भाई यहाँ पर आप कुछ चीज़ें समझ लेना, एक करके मैं स्टेप बाय स्टेप आपको बताऊंगा। उससे पहले मैं आपको बता देता हूँ इसकी फ़ोन की हाईलाइट फीचर। ये 27,000 रुपये में आपको मिलता है 8GB या फिर 12GB, दोनों ही मिलता है आपको, 12GB 256GB या फिर 8GB 256GB का, दोनों ही प्राइस सेम है, तो आप कोई भी ले सकते हो, लेकिन ऑफलाइन मार्केट में आपको 8GB वाला ही मिलेगा। तो हमने ऑफलाइन मार्केट से लिया तो इसलिए हमें 8GB वाला मिला। बाकी हम इस फोन की प्रोसेसर की बात करें तो यहाँ पर आपको स्नैपड्रैगन का 6 Gen 1 का यहाँ पर चिपचैप लगा के रखा है, 5G प्रोसेसर है और काफ़ी अच्छे प्रोसेसर है इसको माना जाता है। अगर मैं डिस्प्ले की बात करूँ, यहाँ पर 6.7 इंच का फुल HD प्लस OLED डिस्प्ले मिलता है, और इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर आपको देखने को मिलता है। तो रियलमी की फ़ोन जो कि सुपर AMOLED डिस्प्ले और OLED डिस्प्ले जो आते हैं वहाँ पर आपको यहाँ पर इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट देखने को मिलता है, काफ़ी अच्छी भी है। अगर मैं इस फोन की कैमरा की बात करूँ तो यहाँ पर आपको 50MP का AI कैमरा जो कि प्राइमरी कैमरा होगा, और 8MP का लो लाइट सेंसर है, 32MP का अल्ट्रा वाइड कैमरा होगा शायद, जो लग रहा है मुझे। यहाँ पर 3 कैमरा आपको पीछे की तरफ देखने मिलेंगे, 50, 8 और 32। तो कैमरा जो है इनकी काफ़ी अच्छी है, और मुझे काफ़ी खूबसूरत खूबसूरत फोटो भी यहाँ पर क्लिक हमने किया तो काफ़ी अच्छी क्लिक कर लेते हैं। बाकी मैं यहाँ पर आप सेल्फी कैमरा की बात करूँ तो यहाँ पर आपको 16MP का सेल्फी कैमरा दिया जाता है। तो भाई ये शुरू से ही दे रहा है रियलमी, काफ़ी अच्छी सेल्फी खींच लेती है इस कैमरा में। मैंने हमारे पास 2-3 फ़ोन था तो अच्छे अच्छे कैमरा खींच लेती इस 16MP का सेल्फी कैमरा से। बाकी अभी तो AI का ज़माना है तो उसके हिसाब से तो और भी अच्छे खींच लेते हैं। बाकी मैं यहाँ पर आप बैटरी की बात करूँ तो 5000mAh की बैटरी मिलती है, 67W की यहाँ पर आपको चार्जर देखने को मिलता है, जो कि 80W के चार्जर यहाँ पर आपको बॉक्स में प्रोवाइड करते हैं। तो उस हिसाब से देखा जाए तो यहाँ पर आपका फ़ोन जो है आधा घंटा में फुल चार्ज करा देंगे, तो उस हिसाब ठीक ठाक है, ऐसा नहीं कि बुरा होगा। हाँ भाई, यहाँ पर 27,000 रुपये के प्राइस में ये सारी चीज़ें आपको देखने को मिलता है। अगर आप 12GB वाला वेरिएंट पाते हो तो आपके लिए बेटर ऑप्शन होगा 27,000 रुपये, क्योंकि कर्व डिस्प्ले होने की वजह से इनकी जो प्राइस है वो बढ़ जाती है। हाल ही में रियलमी ने एक फ़ोन लॉन्च किया जो कि 20,000 रुपये में कर्व डिस्प्ले फ़ोन, तो आप अगर कर्व डिस्प्ले वाला फ़ोन लेना चाहते हो, मैंने अभी कुछ दिन बाद वीडियो अपलोड कर रहा हूँ आपके सामने, P1 सीरीज का, रियलमी का P1 सीरीज यहाँ पर ऑलरेडी सेल स्टार्ट हो चुकी होंगे, तो आप वहाँ जाके बाय कर सकते हो, जो कि 20,000 रुपये में आपको कर्व डिस्प्ले वाला फोन देखने को मिलेंगे रियलमी की तरफ से। अब मैं बात करूंगा यहाँ पर फाइनेंस की तरफ। देखो इस फोन की जो रियल प्राइस है वो है 27,000 रुपये, ऑनलाइन में और ऑफलाइन में दोनों ही मार्केट में अवेलेबल इन्हीं प्राइस में उपलब्ध है। अब अगर हम इस फोन को फुल्ली कैश लेते हैं, अगर ऑनलाइन लेते हैं तब भी हमें 2,000 रुपये का डिस्काउंट मिलेंगे, अगर मैं ऑफलाइन लेता हूँ तभी मुझे 2,000 रुपये का डिस्काउंट मिलेंगे, जो कि मेरे जो स्टोर हैं यहाँ पर, आपके स्टोर में देंगे या नहीं मुझे नहीं पता, लेकिन मेरा एरिया में जो स्टोर है वहाँ पर आप 2,000 रुपये का डिस्काउंट मुझे दे देंगे, मतलब 25,000 रुपये टोटल इनकी प्राइस
पड़ जाता है अगर मैं कैश में लेता हूँ या फिर फुल्ली पेमेंट करके लेता हूँ। लेकिन अगर मैं यहाँ पर फाइनेंस कराता हूँ तो उसमें आपको हाई चार्जेज आपको देखने को मिलता है। यहाँ पर मैंने एचडीबी फाइनेंस की तरफ से गया, एचडीबी फाइनेंस में मैंने फाइनेंस करवाया इस फोन को, ये चेक करने के लिए भाई ऑफलाइन मार्केट में कितना हद तक यहाँ पर चार्ज करता है और क्या क्या चार्जेस करता है। तो मैं आपको यहाँ पर चार्ज का लिस्ट आपको मैं यहाँ पर स्क्रीनशॉट मार के यहाँ पर डिस्प्ले में दिखा दूंगा, आप एक बार ध्यान से देख लीजिएगा क्या क्या चार्ज लगा के रखा है, डॉक्यूमेंट चार्ज, डीलर चार्ज, प्रोसेसिंग फी वगैरह वगैरह, इन चार्ज को मिलाकर के 2-3 हज़ार रुपये बना लिया है। तो मुझे ये काफ़ी हाई लगा, ऊपर से आपको यहाँ पर 23% यहाँ पर इंटरेस्ट ले रहे हैं, उसके बाद अलग से भी आपको यहाँ पर पेमेंट करना पड़ता है 1200-1300 रुपये में। तो मैंने 0 डाउन पेमेंट में लिया 27 हज़ार रुपये का फ़ोन, टोटल यहाँ पर 6 महीने का किस्त बना है, 6 महीना अगर हम पेमेंट करते हैं तो टोटल मुझे जो पैसा पेमेंट करना पड़ता है वो पड़ता है 29,899 रुपये के आसपास। तो लगता है 30,000 रुपये मुझे 6 महीना के लिए देना पड़ेगा। तो जो कि 27,000 रुपये का फ़ोन है, अगर मैं 2,000 रुपये पेमेंट फुल्ली पेमेंट करता तो 2,000 डिस्काउंट हो जाता, लेकिन फिर भी फुल्ली नहीं किया तो मुझे यहाँ पर 3,000 रुपये 6 महीना में एक्स्ट्रा देना पड़ रहा है। अगर मैं ऑनलाइन की बात करूँ, अभी मैं ऑनलाइन देखता हूँ तो ऑनलाइन में यहाँ पर कार्ड में भी EMI का डिस्काउंट देखने को मिलता है। जैसे कि हमने आपको बताया कि 2,000 रुपये के डिस्काउंट है, तो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का अगर आपके पास क्रेडिट कार्ड है या फिर डेबिट कार्ड ऑप्शन में आपको दे रहा है EMI का, तो उस कंडीशन में यहाँ पर आपको 2,000 रुपये का डिस्काउंट मिलेंगे EMI में और नो कॉस्ट EMI बन जाएंगे। मतलब जो 25,000 रुपये बनेगा 2,000 रुपये डिस्काउंट करके, वही अमाउंट आपसे लिया जाएगा। हाँ, प्रोसेसिंग फी के नाम से आपसे 199 यानी कि 199 रुपीज प्लस GST आपसे काटा जाएगा, बाकी और कुछ भी चार्जेस वगैरह नहीं काटा जाएगा। तो मुझे लगता है कि ऑफलाइन से ऑनलाइन आपके लिए बेटर ऑप्शन होगा, और आप ऑनलाइन से सिर्फ 6 महीने में टोटल जो मोबाइल का प्राइस होते हैं, जो कि दामी दामी जो कि भाई 30,000 या फिर 25,000 के ऊपर में जो भी फोन जाते हैं ना, उनमें भाई नो कॉस्ट EMI चलता है 6 महीने के लिए। तो भाई हमने 6 महीना फाइनेंस करवाया SDB में, तो यहाँ पर भाई हमारा जो चार रहे हैं 23% प्लस ऊपर से GST वगैरह, तो लगा के कुल मिला के 6 महीने में 3,000 रुपये जा रहा है, और ऑनलाइन में 3 महीने में मुझे यहाँ पर 2,000 रुपये का डिस्काउंट भी मिल रहा है। तो उससे देखा जाए तो हमेशा ऑनलाइन जो फाइनेंस के मुकाबले में मुझे जो लग रहा है वो बेस्ट ऑफ द बेस्ट ऑप्शन है। क्योंकि भाई देखो यहाँ पर डॉक्यूमेंट्स का चार्ज यहाँ पर लगभग यहाँ पर 13-14 रुपये लगा चुका है, तो इतना नहीं लगाना चाहिए था, इतना लगा लिया, तो मुझे ये चार्ज मुझे ऑनलाइन नहीं देना पड़ता। तो ये आपके ओपिनियन है, आपको कैसा लगता है? मेरा ओपिनियन तो ये है कि ऑनलाइन आपके लिए बेटर ऑप्शन है। अगर आपके पास ऑनलाइन में कोई भी विकल्प है, कोई भी ऑप्शन है आपके पास, मतलब क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड है आपके पास, EMI दे रहे हैं ऑनलाइन वाला, तो आपके लिए बेटर ऑप्शन होगा ऑनलाइन ही। तो ऑनलाइन से आप बाय किया करें, मुझे जो लग रहा है यही आपके लिए बेस्ट ऑप्शन होगा। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको जानकारी अच्छी लगी होंगी, अगर अच्छा लगता है तो प्लीज़ एक लाइक कर दीजिए चैनल को, वीडियो को, और चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे साथ बने रहें। थैंक यू सो मच, मिलते हैं अगले वीडियो में।